विभिन्न उद्देश्यों के लिए पुलिस द्वारा प्रदान किए जाने वाले चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया के एसओपी में बदलाव लाने की आवश्यकता पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने जोर दिया है। उन्होंने बताया कि आवेदक किन किन जनपदों में किस किस थाने के अंतर्गत रहा है उसका हवाला नहीं देता है, केवल अपने वर्तमान पते का हवाला देकर चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेता है। अब इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। सीसीटीएनएस के द्वारा आवेदक का डाटा खंगालने के बाद चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। एडीजी ने जोन के समस्त एसएसपी व एसपी को निर्देशित किया है कि चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र देने के पहले अधिकारीगण विचार करें। अब सीसीटीएनएस के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र देना और सरल हो गया है। सीसीटीएनएस कार्यालयों में अपराध में संलिप्त रहने वाले अपराधियों का रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, कुछ प्रकरण ऐसे हम लोगों के संज्ञान में आए जिसमें हम लोगों ने जब समीक्षा की तो पाया क्या कि प्रोसीजरल जो हमारा प्रोसेस है वेरिफिकेशन को, वो अपने आप में उसको सरलीकरण की आवश्यकता है। अभी बहुत सारी इश्यूज में क्लैरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का कैरेक्टर वेरिफिकेशन होना है तो कितने साल का उसका कैरेक्टर देखेंगे, पिछले कितने वर्षों में वो कहाँ कहाँ रहा है, वो उस बारे में कोई एसओपी बना नहीं है। किसी मामले में बिना कुछ सोचे समझे रिपोर्ट भेज देते हैं, किसी मामले में वो जाने के लिए उसको कई स्थानों का जिक्र कर देते हैं कि पिछले कई वर्षों में वादी कहाँ कहाँ रहा था, किन किन थानों में देखने हैं, किन किन जिलों में देखने हैं। हाल में सीसीटीएनएस आ गया है, सारे जो रिकॉर्ड्स हैं आपराधिक रिकॉर्ड्स हैं वो सेंट्रलाइज हो गई हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने एसओपीज को चेंज करने की आवश्यकता है। मैंने सभी पुलिस अधीक्षकों को कहा है कि एसओपीज को रिविजिट करें और इस प्रोसेस को हम लोगों को सरल करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, ताकि जनता को कम से कम शिकायत का मौका मिले और ये आराम से अपनी काम करा सके। तो मैंने अभी सुझाव मांगा है और हाल में एक अपनी जो मीटिंग होती है हम लोग एसपीज के साथ, तो उस पर भी इस पर विचार विमर्श और चर्चा करेंगे ताकि इसमें कोई सुधार आए, और जैसे ही हम नए एसओपी के साथ आते हैं तो आपको अवगत कराएंगे।